गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। अटल जी के इस अंदाज को कोई कैसे चुरा सकता है? इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। अटल जी की शैली को कौन अपना सकता है? अटल जी के स्वभाव को कौन भुला सकता है? प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ, जिसको पल भर में ही छूकर वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। अटल जी भारतीय राजनीति के स्तंभ रहे, उन्हें देखकर भारतीय जनता पार्टी की आज की पीढ़ी तैयार हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी तक, हर नेता अटल जी को अपना आदर्श बताता है। लेकिन बीजेपी के इन नेताओं में एक नेता ऐसा भी है जो अटल जी की तरह उठना बैठना सीख गया है। ये कोई और नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी भाषण शैली के लिए जाने जाते थे और आज नरेंद्र मोदी को भी जनता का बड़ा वर्ग उनके भाषणों की वजह से पसंद करता है। पहले दोनों के बोलने का अंदाज देखिए। ये अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है। एक आतंकवादी की मार हो रही है और देश के प्रधानमंत्री की नींद खराब हो जाती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूँ, जयपुर में इतने लोग मारे गए, बच्चे रो रहे थे, माताएं रो रही थी, प्रधानमंत्री आपको नींद कैसे आ रही थी ये देश जान रहा है। देखिए मोदी के हाथ और अटल जी के हाथ कैसे शब्दों के साथ उठते गिरते हैं। मोदी भी लोगों को अपनी बात समझाने के लिए जुबान और हाथों का बराबर इस्तेमाल करते हैं और अटल जी के हाथों का अंदाज़े बयां तो किसी शायर जैसा है। अटल जी कभी लगातार नहीं बोलते थे, वो रुकते थे, लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। दादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आज। अटल जी के इस तरीके की छाप बीजेपी के कई नेताओं के अंदाज में दिखती है। नरेंद्र मोदी ने भी अपने बोलने की स्टाइल में अटल जी के इसी अंदाज का इस्तेमाल किया। ये देखिए, जब ये मिजाज होता है तभी तो विजय प्राप्त होता है, तभी तो आतंकवाद की लड़ाई में। देखा आपने, मोदी जितने भी रंग में भाषण दे रहे हो लेकिन रुकते जरूर है, बिल्कुल अटल जी की तरह। फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी, फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं। 20, 22, 24 साल का नौजवान विश्व में जाकर के पूरे हिंदुस्तान की छवि को बदल दिया पिछले 20 वर्ष के अंदर। अटल जी धीरे चलते थे, संभल कर कदम रखते थे। मोदी तेज जरूर चलते हैं लेकिन कदम कभी लड़खड़ाते नहीं। अटल जी के बाल सफेद थे और हमेशा संवरे रहते थे। मोदी के बाल भी अनुभव के साथ सफेद हो गए हैं और ठीक अटल जी की तरह दुरुस्त रहते हैं। दोनों ही राजनेताओं के कपड़ों पर भी गौर फरमाइए, दोनों को भारतीय कपड़े पहनना ही पसंद है। अटल जी ज्यादातर कुर्ता और धोती पहनते थे और मोदी भी ज्यादातर पैजामा कुर्ता पहनते हैं, लेकिन कभी कभी पश्चिमी लिबास पहनने से दोनों को एतराज भी नहीं है। किसी की बात सुनते वक्त अटल जी बेहद गंभीर रहते थे, उनके चेहरे से सामने वाले को पता चल जाता था कि उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। मोदी भी जब मंच पर बोल नहीं रहे होते हैं तो गंभीर दिखते हैं। अटल जी बड़े कवि थे, बड़े और कठिन सवालों के जवाब
हल्के तरीके में देना उनका बहुत बड़ा गुण था।